हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद अतिमन। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से स्कूल टीचर वैकेंसी आउट हुई है। सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर मेरे दो सब्सक्राइबर या कह सकते हैं दो कैंडिडेट ने यहाँ अप्लाई किया। 45,000 उनको सैलरी यहाँ पर मिल रही है। पार्ट टाइम भी आप करना चाहें या पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम अगर करना चाहें तो फुल टाइम भी यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। तो फुल टाइम जो है कर रहे हैं वो दोनों कैंडिडेट 45,000 तक सैलरी उनको मिल रही है। यदि आपने भी ग्रेजुएशन एमए बीएड किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्कूल टीचर के अलावा भी जो है यहाँ पर वैकेंसी है रिसोर्स पर्सन पोजीशन की। हम कवर करेंगे स्कूल टीचर पोजीशन की। तो चलिए यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर जो है वो जॉब लोकेशन रहेगी। चार राज्यों में फिलहाल निकाली गई है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से स्कूल टीचर। छत्तीसगढ़ में निकाली गई है, लोकेशन रहेगी धमतारी छत्तीसगढ़ इंडिया। स्कूल टीचर उत्तराखंड में निकाली गई है, लोकेशन है उद्धम सिंह नगर, ठीक है, जो कि इंडिया में ही है आपको पता है। स्कूल टीचर कर्नाटक में निकाली गई, लोकेशन है यादगीर कर्नाटका और काला बुरागी, ठीक है। राजस्थान में भी निकाली गई है जहाँ पर लोकेशन जो है वो यहाँ टोंक जिला में, सिरोही जिला में और बाड़मेर जिला में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन चारों लोकेशन पर आप जॉब करना चाहते हैं जॉब कर सकते हैं। मैंने आपको बताया दो कैंडिडेट जो अभी लगे हुए हैं, 45,000 उनकी सैलरी है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की कवर करेंगे। तो यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ साइंस सोशल साइंस स्पेशल नीड म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स है। क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी गई है तो आप यहाँ देख सकते हो, बैचलर डिग्री इन योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट में जो है वो बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन मांगी गई है, बीएड मांगा गया है। यहाँ पर जो है अगर आपने एमए नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बैचलर डिग्री जो है मांगी गई है राजस्थान की वैकेंसी में, साथ में बीएड मांगा गया है, डीएड और डीलेड भी मांगा गया है। स्पोर्ट्स टीचर वगैरह जो है डीलेड मांगा गया है, ठीक है, और प्री प्राइमरी और प्राइमरी में जो है वो डीएड मांगा गया है। बाकी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ट्रेंड टीचर के लिए बीएड कंपल्सरी है। साथ में अगर आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको हिंदी इंग्लिश और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, राजस्थान के हैं आप तो राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो आपको आती है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पर जो है कौन कौन से कौशल जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने की है, तो देखिए आपको जो है वो थोड़ा सा टीचिंग आनी चाहिए, स्कूल टीचर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, पैडागोजी का ज्ञान, लेसन प्लानिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपने बीएड डीएड में जो है वो की हुई हैं। तो यही चीज़ें जो है यहाँ पर स्किल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 100% जो है वो अप्लाई यहाँ करें। लोकेशन जो है वो क्या है आपकी, टोंक है, सिरोही है और बाड़मेर है। तो जो भी बच्चे टोंक में या टोंक के आसपास हैं, सिरोही बाड़मेर के आसपास हैं, 45,000 सैलरी अगर मिलती है तो काफ़ी अच्छी होती है। अगर हमें थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ता है तो हम जा सकते हैं। अप्लाई का जो है ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो है इसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग वहां पर डायरेक्ट जाके जो है वो अप्लाई तक पहुंचें। नेक्स्ट जिसमें हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं तो वह भी देख लें कि आप लोगों को जो है क्या क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है वो क्वालिफिकेशन ही बच्चे जो है वो ज़्यादातर देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, प्राइमरी ग्रेजुएट अलोंग विद डीएड और बीएड, ठीक है, और हायर सेकेंडरी टीचर के लिए जो है मांगा गया है मास्टर डिग्री। कौन कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री हिस्ट्री फिजिक्स सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के साथ में बीएड और 2 साल का एक्सपीरियंस। स्किल जो है वो वही रहेगी कि आपको पढ़ाना जो है वो आना चाहिए, बच्चों की जो है वो किस तरीके से केयर कर सकते हैं, पैडागोजी का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है यहाँ पर स्किल रिक्वायरमेंट में मांगी गई है। टीचिंग ही करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, मास्टर डिग्री जो है वो आपको यहाँ चाहिए, बीएड चाहिए। लोकेशन जो है वो क्या रहेगी तो ये आप देख सकते हैं, धमतारी छत्तीसगढ़ इंडिया, ठीक है। अप्लाई जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पर कर लेना है। स्कूल टीचर कर्नाटका में जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है तो यहाँ पर आप देखें, प्राइमरी टीचर ग्रेजुएशन अलोंग विद डीएड, ठीक है, और अपर प्राइमरी के लिए बीएड मांगा गया है। और कर्नाटक में जॉब है तो आपको इंग्लिश और कन्नड़ा इन दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो मांगी जाती है, हिंदी मांगी जाती है, और लोकल लैंग्वेज जो चल रही होती है वहाँ की वो तो मस्ट है, ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो है लोकेशन यादगीर काला बुरागी ये रहेगी।
उसके बाद लास्ट जो स्टेट है उत्तराखंड, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी स्कूल टीचर की जो है रिक्वायरमेंट की गई है, और वही चीज़ मांगी गई है जो हर जगह मांगी गई है, BA, BEd, MA। अगर आप जो है पढ़ाना चाहते हो बड़ी क्लासेस को तो वहाँ पर PG डिग्री आप लोगों से मांगी गई है। लोकेशन क्या रहेगी? उधम सिंह नगर उत्तरकाशी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके जो है वो अप्लाई करेंगे। ये तो थी टीचर की वैकेंसी जो यहाँ पर आउट हुई है। साथ में जो है रिसोर्स पर्सन पोजीशन की भी वैकेंसी आउट की गई है, जो कि कई राज्यों के में आप अप्लाई कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप अप्लाई अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो एक जो है वो मैं राजस्थान की जो है यहाँ पर ओपन करके आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। तो रिसोर्स पर्सन जो है यहाँ पर भी आपको चाहिए होता है ग्रेजुएशन और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, कैंडिडेट विद सब्सटेंशियल ऑन फील्ड एक्सपीरियंस। फील्ड एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा जाता है, यानी टीचिंग भी आपको आनी चाहिए, साथ में जो है वो फील्ड वर्क जो है वह भी आपने किया हो, पहले आपके पास एक्सपीरियंस रहा हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो अप्लाई करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।